हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं तुहाडा स्वागत है साडे चैनल विश्वकर्मा मोटर राज ते। अज साडे कोल है जी वरना फ्लूइडिक 2018 मॉडल। इहनूं प्रॉब्लम है इंजन दी, इहदा बैक कंप्रेशर बहुत ज़्यादा है जी। इह बाई ने पहला भी एक बार इंजन करा लिया पर इहदा मसला हल नहीं होया जी। तो हुण तुहानूं दिखाउणे आ भी इहदा बैक कंप्रेशर ते ब्लॉक किन्नी मार रही आ। अज तुहानूं दिखाईए जी, आह तुसीं देख सकदे हो भी जदों डिप आपां खिंचदे आ बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशर है, इहदा बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशर आ। तो जो आप ढक्कन खोलते हैं तो ये भी देख सकते हो तुम जी, बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशर है जी। तो असी यहाँ करा जी इंजन का काम, इंजन करा ओवरहाल, तो इंजन में करा मोडिफाई, तो आपके तरीके करा काम। तो थोनू दस दें भी किमें असी करते हैं काम, तो किमें करते हैं। ओके रिपोर्ट आ जाओ जी। लो जी तुम देख सकते हो जो बैक कंप्रेशर आ, बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेशर आ। इधर भी देख सकते हो तुसी बहुत ज्यादा स्मोक आ जी बैग दी। तो डिप थानी भी तुसी देख सकते हो भी छिट्टा, बहुत ज्यादा छिट्टा मार दी। और हजे गड्डी ये गर्म भी नहीं हुई, मतलब ठंडी है। जो तो गर्म हो जूगी तो इहदा बैक कंप्रेशर होर ज्यादा वध जूगा जी। मेरे जिहड़ा फोन के कैमरे पर भी बहुत ज्यादा छिट्टे पै गए, इन्ना बैक कंप्रेशर आ। तो चोबर साढ़े संद पैड़ा करी बैठे तैयार, तो टूल नू लाती है जी धूप बत्ती। तो हुण करांगे शुरुआत, ये तो आ जाओ जी तुहानू दिखाउणे आ भी आपदे तरीके नाल किवें करदे हां काम। नवीं गड्डी देख के मुंडिया ने चक लिया टूल, तो इधर विचारी एक स्विफ्ट खोलनी सी उहनू छड के, तो इधरले पासे हो गया तो लग पिया खोलन। बैटरी तो अगले का मारका ला दी दी तां जो एक दूजे नाल रल ना जाए। कई वारी एक प्रकार दीआं बैटरीआं ही हुंदीआं सारीआं दे। हाँ जी असी इंजन दिता खोल, तो थोड़ा दिखाने जी आ देख सकते हो तुम भी जेडे पिस्टम के रिंग आ झरिया के बहुत ज़्यादा प्ले है। ये रिंग इन्होंने बहुत पतले बनाए है जी, तो वह छेती घस जाते हैं जो, मतलब जोड़ा यदा चार नंबर वाला सिलेंडर आते टर्बो का प्रैशर ज़्यादा जो ओवर पैंदा टर्बो, तो वो जोड़े रिंग आ जी दबा रिंगा पैंदा, तो बहुत छेती वढ़े जाते हैं। कई गलतियां यह भी हो जाए जी, कस्टमर टाइम पर सर्विस नहीं करा जो जोड़ा ईजी आर वाल हों जी वो सफाई टाइम पर नहीं होंगी, वो कारण भी यही बन जाता जी। हाँ जी आ जरा देख सकते हो भी चार नंबर सिलेंडर के वाल आ बहुत ज़्यादा अंदर वड़ गया, तो जोड़ा गैसकेट है वह भी देसी पाया गया, भी देसी है। यदा इंजन खुलिया जी, यदा इंजन पहला खुलिया किसी ने काम किया, तो जो समान तुम देख सकते हो भी जोड़ा, मतलब जिमें असी काम करते जी, असी किसी मिस्त्री बारे गलत नहीं बोलते, असी ए नहीं कहते भी उन्हें बेईमानी की या कुछ किया। हो सकता भी उन्होंने ये बारे समझना हो जो दुकानदार ने देता वह पाता, असी किसी कोई माड़ा नहीं कहते। चलो जिनी मतलब अगले नॉलेज होंगी उन्ना काम कर देता जी, तो पर असी आपके हिसाब न करा सही। मिस्त्री के ड्राइवर बंदा सारी उम्र नहीं बन सकता, चलो जिन्ना भी होया आपके कन्नों करा बिल्कुल ओके। तो थोनू दिखाने भी असी आपके हिसाब न किमें करते हैं काम, तो किमें करते हैं ओके रिपोर्ट। लो जी तुम देख सकते हो पिस्टम मोडिफाई असी करता, जेडे रिंग है वह मोटे पाते हैं जी, ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਕਰਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ ਮੋਡੀਫਾਈ। ਵਰਨਾ ਫਲੂਇਡਿਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੋਡੀਫਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, तो असी उन्होंने मतलब उवें रखता क्योंकि स्लीबा लाने की छेती कितने लोड़ नहीं पैंदी। तो जे बाला कम मतलब जो गड्डी ज़्यादा ब्लो मार दी हो आप उवें चलाई जाइए, तो फिर रिंग स्लीबा कर देंगे जी खराब। इहदियां स्लीबा ठीक सी जी, असी तां करके नहीं लवाइया, तो इन्हां दे विच मार के पालिश करता ओके। तो हुण असी करांगे जी पिस्टमां दी फिटिंग। हाँ जी बिगन आ जिहड़े असी वह असी इहदे करांगे चेंज जी, असी पावांगे नवें आ देख सकते हो तुसीं, बिगन असी नवें मंगाले आ। पर जिहड़े कनैक्टरां दे आ वी कई वारी जदों मिस्त्री करदा जी आ देख सकते हो वी टक पाए हुए आ, इहदे करके जिहड़े पहलां बिगन तां पहलां वी इहदे नवें पाए हुए सीगे, पर आ जिहड़े टक्कां करके इहनूं प्रॉब्लम आ गई आ वी जिहड़े दूजे बिगन खराब हो गए जी। वह घस गए सी ते उहनां दी हालत जिहड़ी कि खस्ता सी माड़ी सी, सीज मारन दा डर आ, इस करके असी चेंज करांगे। आ जिहड़ा
ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਢੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿੱਟ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਪਾਤੇ ਆ ਮੋਟੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀਡਿੰਗ। हाँ जी, आ जिहड़ा तुसीं रिंगां दा गैप विच देख सकदे हो, क्योंकि मतलब स्लीपां दीआं बिल्कुल ओके आ, जिहड़ा रिंगां दा गैप आ जम्मण ही मतलब सही रहिंदा, जिन्ना रहना चाहीदा उस मुताबक उन्ना गैप है इहदा, इस करके असीं स्लीपां नूं इहदा कुछ नहीं कीता ते उसे तरह ही इहदे विच रिंग पाते आ, पिस्टमां नूं करके मॉडिफाई तुसीं देख सकदे हो, स्लीपां दा घेरा जिहड़ा जमा बिल्कुल ओके आ। हाँ जी, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਵਾਲੀ ਗੈਲਰੀ ਆ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜੈਸਟਰ ਵਾਲੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਲੀਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਫਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਲੀਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾ ਓਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ। ਹੈੱਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਐਵਰੀ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਕਲੀਨ EGUGR ਵਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਸਕਟ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁੰਡਾਈ ਦਾ ਗੈਸਕਟ ਰੀਜਨਲ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੌਂਡ, ਅਤੇ ਆ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਬਲਾਕ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੈੱਡ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਫੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਸ ਕੇ ਕੇਮਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਆ ਓਕੇ, ਨਟਾਂ ਦੀ ਕਸਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੇਮਾਂ, ਕੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ। ਕੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਲ, ਅਤੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਸਾਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕੇਮਾਂ ਕੱਸਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਚੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕਮ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਚੈਨ ਦੀ ਹੁੰਡਾਈ ਦੀ ਜੈਨੂਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਠਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ।
आ पाउन लगे नवी चैन। लो जी इस तरीके जिहड़ा तुसीं चैन का टाइम का वह बन सकते हो देख सकते हो भी निशानियां दित्तियां कंपनी ने निशानियां ते ही पा सकते हो ते जिहड़ा केम वाला जी थलड़ी क्रैंक शाफ्ट वाला वह देख सकते हो या तीर नूं सीधा करके इस प्रकार असीं इहदा टाइम का ही बनता। तो हुण जिहड़ी ऑयल पंप की फिटिंग करांगे जी केमा कास्तियां टर्बो की फिटिंग भी हो चुकी है जी हॉस पैप वगैरह तो वैकम पंप असी कास्ता हॉस पैप भी लग गया जी सारे वैकम पंप की फिटिंग भी हो गई है जी लो जी ऑयल पंप का जिहड़ा ऑयल पंप है जिहड़ा उहदी असी सीलिंग है जिहड़ी उह लाती आ उत्ते सिलीकोन ला के उहदी सीलिंग करती है ते हुण असी इहनूं करांगे इंजन दे नाल फिट। तुसीं देख सकदे हो थोड़ा जिहा ऑयल पा के ते चंगी तरह ला के सिलीकोन जिहड़ी ब्लैक सिलीकोन लाई है वी जिहदे नाल जिहड़ी इहदी सीलिंग है जी उदां ही बण जूगी जिवें कंपनी दी हुंदी है। इस प्रकार नाल असी करके इहनूं सिलीकोन ला के ते इंजन नाल करांगे जी फिट। लो जी ऑयल पंप की जी असी फिटिंग करती है तो आज सीलिंग देख सकते हो जिवें कंपनी की आँदी है जी उस हिसाब न ब्लैक करती है तो आ जिहड़ा तुसी हैड का तो इन्हां का फेस देख सकते हो जी जिवें बिल्कुल ओके बराबर है भी जिहड़ा असी गैसकट पाया पूरा मेहनती करके ही पाया भी आह नंबर पैना है तो असी फिटिंग सारी बिल्कुल करती है ओके तुसी देख सकते हो। तो हुण असी कसांगे जी टैप्ट कवर की कर लगे फिटिंग। लो जी इंजैक्टर की फिटिंग है जी असी पूरी तरह करती है ओके टैप्ट कवर कस के इंजैक्टर की फिटिंग हो गई है जी पाइपा भी लाती तो वैकम पाइपा भी लाती टर्बो वाली तो हुण असी इहदा कसांगे जी चैंबर तो फिर कुछ ही पलों के बेल्ट भी चढ़ाती है जी असी कुछ ही पलों के बेल्ट करती है चेंज तो नवी पाती है जी कुछ ही पलों के मारांगे सिर्फ तो थोड़ा दिखावांगे किवें बनी आवाज़ की करती है। हाँ जी कनैक्टर आड़ वाले नटा असी चंगी तरह करता है टैट तो हुण करांगे जी चैंबर की फिटिंग। तुसी देख सकते हो जिहड़े कनैक्टर आड़ नट सारे असी टैट करते हैं तो हुण करांगे जी चैंबर की फिटिंग तो चैंबर नूं कसांगे जी हाँ जी चैंबर दिता चंगी तरह कस तो बेल्ट भी पाती है नवी तुसी देख सकते हो हुंडई दी बेल्ट नवी पाती है जी जेनुअन असी देख सकते हो जी एडलां वगैरह दियां बिल्कुल ओके सी ते चैंबर दी फिटिंग दित्ती है चंगी तरह कस ते जिहड़ी टर्बो वाली पैप भी दित्ती है ला जी कई नट बड़े उल्ट पुल्ट लगे भी सी कई नट घट भी सी असीं पूरे करते हैं जी तुसीं देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल थल्लों कंप्लीट करती है। हुण असीं पाउणे आ जी ऑयल नवां ते ऑयल फिल्टर फिर कढ़ावांगे इहदी इंजैक्टरां तों एयर मारांगे सिर्फ तो थोनू दिखाने भी किमें करते हैं स्टार्ट। हाँ जी ऑयल वगैरह असी ये पाता जी तो फिल्टर भी करता चेंज तो बैटरी लगे रखन तो फिर कढ़ावांगे एयर तो थोनू दिखाने भी किमें करते हैं स्टार्ट। रुक जा लो जी सारिया पाइपा चो एयर दिती है कढ़ा तो हुण असी जिहड़ियां चार सिल्फा मारांगे जी क्योंकि इंजैक्टर की जिहड़ी रिटर्न थानी कढ़ांगे ऑयल तो जिन्ना चिर ऑयल रिटर्न थानी नहीं आउंदा उन्ना चिर असी करांगे उन्ना चिर असी इन्हां दे कैबलर नहीं लाउंदे क्योंकि इहदे नाल जिहड़े हुंदे जी कई वारी आपां एयर कढ़ा के ते जदों पाइपां ला के शू ला दिंदे आ इंजैक्टर वाले तां जिहड़े स्पैंडल आ उह सुक्के वर्क करन लग पैंदे आ ते उहदे नाल जिहड़ा स्पैंडल आ वड्या जांदा ते जिहड़ी इंजैक्टर दी रिटर्न वध जांदी है इसे लई जो भी माड़ा मोटा कचरा होया उह प्रेस हो के वापसी थानी निकल जूगा जी तां करके असीं चार सिल्फां मरा दिंदे आ मारी सिल्फ छोड़े वीर। चल
और तुम देख सकते हो भी जो डीजल आ वापसी थे आ गया चल हाँ जी इस तरीके असी यदि एयर कढ़ा के जिहड़ा कोई भी माड़ा मोटा कई बार कचरा रह जाता जी वह प्रेस होकर वापसी थानी निकल जाता है तो जिहड़ा इंजैक्टर का कोई नुकसान नहीं हुंदा। तो हुण असी इंजैक्टर वाले कैपलर ला के मारांगे सेल्फ तो थोनों दिखाने भी किवें बनी है स्टार्टिंग तो किवें हुंदी है स्टार्ट। चल छोड़े भीर मार सिर्फ लो जी स्लो चलन दे स्लो ऑयल प्रेशर लैट दे बुझ गई ठीक है। लो जी ऑयल ने कर लिया सर्कुलेशन ऑयल लैट बुझ गई तो स्टार्टिंग देख सकते हो जी बंद करके मारी छोड़े भीर सिर्फ लो जी स्टार्टिंग आ बिल्कुल ओके फिटिंग हो गई है सारी कंप्लीट। तुम देख सकते हो एयर फिल्टर भी असी पा के एयर फिल्टर भी कसता जी बैटरी भी कसी गई तो ऑयल भी पै गया तो पानी भी बिच पा दिता हाँ जी चंगी तरह असी गड्डी दी ले ली है राइड तो गड्डी नूं कर लिया पूरी तरह गर्म तो तुसीं देख सकते हो जिहड़ी गर्म वाली सूई भी सेंटर दे विच आ भी जमा जिथे रहनी चाहिए उत्थे ही सही रहिंदी आ। तो इंजन की जी पेकअप भी बहुत वधिया बनी है जी तो बहुत वधिया चलती है गड्डी वधिया पेकअप बन गई आ स्मूथली चलती है गड्डी जी पूरी तो कोई इंजन की नॉकिंग नहीं जिहड़ा अपना काम आ बिल्कुल हो गया ओके जी। तो हुण तुहानूं रोक के दिखाउणे आ भी किवें इंजन की बनी आवाज़ तो किवें ब्लो कोई बैक कंप्रेसर दिखाउंदी है जां नहीं क्योंकि असी गड्डी पूरी कर लई है गर्म तो जो गड्डी गर्म होजूगी तो उदो जो कंप्रेसर आ कई दा विखाउण लग पैंदियां तो ये तुहानूं दिखाउणे आ भी बैक कंप्रेसर विखाउंदी है जां नहीं आ जाओ जी तुहानूं दिखाउणे आ ते नाले चैक कराउणे आ इंजन की साउंड गर्म हो के किदां दी बनी है साउंड। हाँ जी जो कि तुसीं देख सकते हो इंजन की साउंड आ जी बिल्कुल ओके तो बहुत वधिया आवाज़ है इंजन की तो तुसीं देख सकते हो जी कोई ब्लो नहीं बिल्कुल ओके आ गड्डी जमा बिल्कुल हो गई ओके देख सकते हो जी तुसीं भी कोई ब्लो नहीं विखाउंदी तो कोई छिट्टा नहीं इंजन जिहड़ा रनिंग चा इंजन आ जिहड़ा रनिंग चा कोई ब्लो नहीं कोई छिट्टा नहीं बिल्कुल चल रही है ओके अगे तो बहुत ज़्यादा छिट्टे मारती सी जी गड्डी हो गई है ओके तो जिहड़ी इंजन की साउंड आ बिल्कुल हो गई आ ओके तो जमा कोई ब्लो नहीं ना ही कोई छिट्टा तो आवाज़ भी बिल्कुल साउंड आ तो इंजन भी पिया जी खरोट वांगू बिल्कुल ओके तुसीं वेख सकते हो कोई लीकिंग नहीं कोई कुछ नहीं बिल्कुल जिवें पलां उत्ते पानी का गिलास भर के रख दो बिल्कुल खड़ा रहूगा तो बिल्कुल हो गया ओके। तो हुण तुहानूं दिखाउणे आ भी इहदी स्टार्टिंग किवें बणी आ स्टार्टिंग जिहड़ी गर्म हो के किदां लो जी जिहड़ा आपां इंजन का काम किया बिल्कुल हो गया ओके स्टार्टिंग भी सही आ ते मतलब इंजन की आवाज़ भी सही आ तुसी हाँ जी स्टार्टिंग भी बिल्कुल ओके आ ते आवाज़ भी बिल्कुल ओके आ ते ब्लो भी तुसी देख सकते हो जिहड़ा बैक कंप्रेसर असी डिप खोलती है कोई छिट्टा नहीं कोई कुछ नहीं जिहड़ा इंजन है जी रनिंग दे विच चल रहा है तो पूरा गर्म कर लिया पूरी तरह कर लिया असी गर्म तो इंजन का जिहड़ा साउंड आ वह भी बिल्कुल ओके आ ते इंजन की जिहड़ी आवाज़ आ भी जो गड्डी चलाने आप कोई नॉकिंग नहीं कोई कुछ नहीं बहुत वधिया स्मूथली चलती है जी बहुत वधिया साउंड बनया इंजन का तुम देख ही सकते हो तो साडा जिहड़ा काम है जी पूरा बिल्कुल ओके आ ते असी इंजन नूं करता मोडीफाई तो साडे चैनल नूं करो सबसक्राइब तो वध तो वध शेयर करो शेयर धन्यवाद जी।